One day, Alice was lying under a tree, listening to her sister reading a story. एक दिन, Alice एक पेड़ के नीचे लेटी हुई थी. She was lying under a tree and listening to her sister reading a story. और वो अपनी बहन को एक कहानी सुनाते हुए सुन रही थी. Alice की सिस्टर एक कहानी सुना रही थी, पढ़ रही थी और Alice उस कहानी को सुन रही थी. Suddenly, अचानक She saw a white rabbit scamper by. Scamper का मतलब होता है तेजी से जाना. तो उसने एक सफेद खरगोश को scamper by करते हुए देखा, यानी वहां से तेजी से दौड़कर जाते हुए देखा. He had pink eyes and was wearing a blue coat. खरगोश की आंखें पिंक थी, गुलाबी थी और वो एक ब्लू कोट पहने हुए था. He took out a big watch from his waistcoat pocket. उसने अपने वेस्ट कोट की पॉकेट में से एक बड़ी सी वॉच निकाली एंड एज ही हरीड अवे और जब वो तेजी से जा रहा था ही सेड उसने कहा ओह डियर आई विल बी टू लेट अरे भाई मैं तो बहुत लेट हो जाऊंगा. शी थॉट देयर वाज समथिंग वेरी डिफरेंट अबाउट दिस रैबिट. एलिस ने सोचा ये रैबिट तो बहुत डिफरेंट है, बहुत अलग है. इट कुड टॉक, ये बोल सकता था. इट वोर अ रेड वेस्ट कोट, ये एक लाल रंग का वेस्ट कोट पहने हुए था. एंड इट कैरीड अ वॉच, और इसके अलावा इस रैबिट के पास एक वॉच भी थी, एक घड़ी भी थी. एलिस वंडर्ड, एलिस ने विचार किया, सोचा अ टॉकिंग रैबिट, एक बात करने वाला खरगोश, अ रैबिट हु वेयर्स अ वेस्ट कोट, एक ऐसा रैबिट जो वेस्ट कोट पहनता है. एलिस वॉज बर्निंग विद क्यूरियोसिटी. बर्निंग का मतलब होता है जलना, पर यहाँ पर इसका मतलब यह है कि एलिस वॉज हैविंग अ लॉट ऑफ क्यूरियोसिटी. एलिस में बहुत सारी क्यूरियोसिटी थी, जिज्ञासा थी, उत्सुकता थी जानने की कि ये कैसा खरगोश है भाई. एंड शी फॉलोड द व्हाइट रैबिट, और इसलिए उसने उस व्हाइट रैबिट का पीछा करना शुरू कर दिया. वो उसके पीछे पीछे चल पड़ी. द रैबिट स्टार्टेड रनिंग, रैबिट ने दौड़ना शुरू कर दिया. एंड एलिस फॉलोड द रैबिट, और एलिस भी रैबिट का पीछा करते हुए उसके पीछे दौड़ पड़ी. द रैबिट सडनली पॉप्ड डाउन अ लार्ज रैबिट होल. फिर अचानक रैबिट एक बड़े से रैबिट होल में कूद पड़ा. पॉप्ड डाउन माने वो उसके भीतर चला गया या उसके अंदर कूद पड़ा. एलिस जंप्ड इनटू द रैबिट होल टू, और एलिस भी रैबिट होल में उसके पीछे पीछे कूद गई. द रैबिट वेंट डाउन एंड डाउन एंड डाउन इनटू द रैबिट होल. रैबिट उस रैबिट होल में नीचे और नीचे और नीचे जाता ही गया. उसके नीचे वो जितना नीचे जा सकता था उतना नीचे जाते रहा. एलिस सेड अलाउड, अलाउड मींस लाउडली. एलिस ने जोर से बोलते हुए कहा, क्या कहा? वेयर एम आई, मैं कहां पर हूं? हाउ मेनी माइल्स डाउन हैव आई फॉलन, मैं कितने मील नीचे गिर चुकी हूं. माइल्स का मतलब है मील और डाउन माने नीचे, तो हाउ मेनी माइल्स डाउन हैव आई फॉलन का मतलब हुआ मैं कितने मील नीचे गिर चुकी हूं. आई मस्ट बी गेटिंग समवेयर नियर द सेंटर ऑफ द अर्थ. अर्थ यानी धरती, और सेंटर माने बिल्कुल बीचों बीच की चीज या जगह. आई मस्ट बी गेटिंग समवेयर नियर द सेंटर ऑफ द अर्थ. हो सकता है मैं तो अब अर्थ यानी धरती के बिल्कुल सेंटर के पास पहुंच रही होंगी. शी वंडर्ड, फिर उसने सोचा, विल आई स्लिप थ्रू द अर्थ टू द अदर साइड, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं अर्थ के थ्रू यानी बीचों बीच से होते हुए दूसरी तरफ तो नहीं गिर जाऊंगी. विल आई स्लिप थ्रू द अर्थ टू द अदर साइड, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये छेद इतना गहरा हो कि मैं धरती के बीचों बीच से होते हुए अदर साइड यानी दूसरी तरफ गिर जाऊं. थम्प, थम्प का मतलब कुछ गिरने की आवाज आई. एलिस लैंडेड ऑन अ पाइल ऑफ ड्राई लीव्स. एलिस लैंडेड यानी वो लैंड हुई या वो पहुंची. किसके ऊपर गिरी वो? अ पाइल ऑफ ड्राई लीव्स. पाइल का मतलब होता है ढेर. वो ड्राई लीव्स यानी सूखी हुई पत्तियों के ढेर के ऊपर जा गिरी. शी लुक्ड अराउंड क्विकली, उसने क्विकली यानी बहुत तेजी से अपने चारों तरफ देखा. एंड सडनली, और अचानक, सॉ द व्हाइट रैबिट अगेन,
और फिर से उसने उस व्हाइट रैबिट को, उस सफेद खरगोश को दोबारा देखा। इट डिसअपीयर्ड सेइंग, ओ माय ईयर्स एंड विस्कर्स, हाउ लेट इट्स गेटिंग। और वो व्हाइट रैबिट डिसअपीयर हो गया, डिसअपीयर यानी गायब हो गया, और वो ये कहते हुए गायब हो गया कि ओ माय ईयर्स एंड विस्कर्स, विस्कर्स यानी मेरी नाक के ऊपर के जो बाल हैं, मेरी मूछें और मेरे कान, हाउ लेट इट्स गेटिंग, अरे भाई कितना लेट हो रहा है। एलिस स्टूड अप एंड सॉ अ स्मॉल डोर अबाउट 15 इंचेस हाई। एलिस फिर उठ खड़ी हुई, वो पेड़ की पत्तियों के ढेर के ऊपर गिर गई थी ना, वहां से वो उठ खड़ी हुई। एंड सॉ, और उसने देखा, अ स्मॉल डोर, एक छोटा दरवाजा, अबाउट 15 इंचेस हाई, और ये दरवाजा अबाउट यानी लगभग 15 इंच ऊंचा था। इट वॉज टू स्मॉल फॉर हर टू गो थ्रू, ये इतना छोटा था कि वो इसके अंदर से नहीं जा सकती थी। शी सॉ अ ग्लास टेबल विद अ गोल्डन की ऑन इट, उसने एक ग्लास टेबल देखी जिसके ऊपर एक गोल्डन की यानी सुनहरी चाबी रखी हुई थी। शी ट्राइड द लिटिल गोल्डन की इन द लॉक, उसने ट्राई किया कि वो छोटी सी गोल्डन की जो है उस दरवाजे के लॉक में फिट हो जाए। एंड टू हर डिलाइट इट फिटेड, और उसे ये जानकर के, ये देखकर के बहुत खुशी हुई। डिलाइट का मतलब है आनंद या खुशी। इट फिटेड कि ये चाबी उस छोटे से दरवाजे के लॉक में फिट हो रही थी। एलिस ओपन द डोर, एलिस ने दरवाजा खोला एंड लुक्ड इनटू द लवलीएस्ट गार्डन शी हैड एवर सीन, और दरवाजा खोलते ही उसने लवलीएस्ट गार्डन देखा, उसने सबसे प्यारा गार्डन देखा, शी हैड एवर सीन, जितने भी गार्डन उसने आज तक देखे थे ये गार्डन उनमें से सबसे ज्यादा सुंदर था, सबसे ज्यादा प्यारा था। लवली इज एन एडजेक्टिव, और किसी भी एडजेक्टिव की तीन डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, और लवली, लवलियर, लवलीएस्ट, ये तीन डिग्रीज होंगी लवली की। तो ये सबसे खूबसूरत गार्डन था। हाउ शी लॉन्ग्ड टू बी अमंग दोज बेड्स ऑफ ब्राइट फ्लावर्स एंड दोज कूल फाउंटेन्स, वो कितना ज्यादा लॉन्ग करती थी, लॉन्ग का मतलब है डिजायर करना या चाहना, और वो क्या चाहती थी, टू बी अमंग दोज बेड्स ऑफ ब्राइट फ्लावर्स, बेड माने है क्यारी से, वो जो ब्राइट फ्लावर्स थे, वो जो खूबसूरत चमकदार फूल थे, उनकी क्यारियों के बीच में जाना चाहती थी। एंड दोज कूल फाउंटेन्स, और वहां पर जो ठंडक पैदा करने वाले कूल फाउंटेन्स थे, ठंडे ठंडे पानी के फव्वारे थे, उनको वो देखना चाहती थी। बट शी कुडंट इवन गेट हर हेड थ्रू द डोरवे, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वो उस छोटे से डोरवे या दरवाजे के बीच में से तो अपना सर भी नहीं निकाल सकती थी। ओ हाउ आई विश आई कुड बिकम स्मॉलर, उसने कहा, मैं कितना ज्यादा विश करती हूँ, मैं कितना ज्यादा चाहती हूँ कि काश मैं थोड़ा स्मॉलर हो पाती, काश मैं थोड़ा छोटी हो पाती, शी एक्सक्लेम्ड लाउडली, ऐसा उसने जोर से बोलते हुए कहा। Thank you.